दोस्तों, रक्षा उपकरणों को विकसित करने के मामले में अब भारत ये बात अच्छे से समझ चुका है कि हमें फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि हम जो तकनीक विकसित करना चाहते हैं उन्हें जल्दी विकसित कर सके। ऐसा करने के लिए हाल ही में भारत ने जेट इंजन के क्षेत्र में ब्रिटेन और अमेरिका के साथ अपने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के बारे में बड़े कदम उठाए। लेकिन इसी बीच अब फ्रांस ने सभी देशों को पीछे करते हुए भारत के साथ सबसे बड़ा एग्रीमेंट कर लिया, जिसके तहत फ्रांस की साफ्रान ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट में अपनी साझेदारी पक्की कर ली है, जो कि आने वाले समय में काफी बड़े स्तर पर भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। और इस बार फ्रांस ने ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों को पूरी तरह से पीछे कर दिया, क्योंकि इन दोनों देशों की इस प्रोजेक्ट में कोई भी खास भूमिका नहीं होगी और फ्रांस भारत के साथ मिलकर अकेले ही इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में काम करेगा जो दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को साफ तौर पर दर्शाता है। दरअसल दोस्तों, एरो इंडिया 2023 के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रान ने IMRH यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण वर्क शेयर एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जो साल 2022 के जुलाई महीने में हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद एक काफी बड़ा और महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है, जिसके तहत दोनों कंपनियां इस प्रोजेक्ट में जॉइंट पार्टनरशिप के तहत काम करेंगी, जिससे IMRH यानी कि भारत का पहला मीडियम हेलीकॉप्टर हकीकत बन सकेगा। HAL और सैफ्रान के बीच साइन हुआ यह एग्रीमेंट मुख्य तौर पर IMRH के इंजन को विकसित करने को लेकर हुआ, जिसमें HAL काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस वर्क शेयर एग्रीमेंट के तहत सैफ्रान HAL के साथ मिलकर IMRH हेलीकॉप्टर के इंजन की डिजाइन, डेवलप और कुछ कोर कंपोनेंट के विकास में हिस्सा लेगा, जिससे भारत को भी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हासिल हो सकेगी, जिससे हम अपने सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर का विकास जल्दी कर पाएंगे। बता दें कि IMRH एक 13 टन कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है, जिसमें 24 से लेकर 35 की संख्या में सैनिक अपने पूरे साजो सामान के साथ बैठ सकते हैं। साथ ही यह हेलीकॉप्टर 4.5 टन तक का कार्गो भी अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा, यानी इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशन को हम भारतीय वायुसेना के पास मौजूद MI-17 हेलीकॉप्टर से कंपेयर कर सकते हैं, जो भारतीय वायुसेना के लॉजिस्टिक की रीढ़ की हड्डी है। और अब बिल्कुल इसी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर को भारत स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है, जो काफी अच्छी बात है। वहीं पर भारत के पास मौजूदा समय में 200 से भी ज्यादा MI-17 हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिन्हें 1990 इसके बाद ऑपरेट करना शुरू किया गया था। ऐसे में आने वाले 10 से 20 सालों में हम इन सभी हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि भारत का स्वदेशी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर काफी बड़ी संख्या में प्रोड्यूस किया जाने वाला है, जो आने वाले कुछ ही सालों में भारतीय वायुसेना में लॉजिस्टिक्स को लेकर रीढ़ की हड्डी बनेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमारा स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर 80 फीट से भी ज्यादा लंबा होगा और ये अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम होगा। साथ ही इस हेलीकॉप्टर के जरिए हम 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर क्रूज भी कर सकेंगे। इसके अलावा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर 22,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकेगा, जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड इलाकों में भी कर पाएंगे। साथ ही इसकी रेंज लगभग 800 किलोमीटर की होगी, जिसे भविष्य में और भी बढ़ाया जा सकेगा। दोस्तों, इसी के साथ भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर जिस इंजन को विकसित कर रहे हैं उसकी क्षमता 2000 किलोवाट की होगी और ऐसे दो इंजन इस हेलीकॉप्टर में लगाए जाएंगे, यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में कुल मिलाकर 4000 किलोवाट की क्षमता के इंजन लगाए जाएंगे, जो अपनी श्रेणी में सबसे शक्तिशाली और एडवांस होंगे। कुल मिलाकर देखें तो यह हेलीकॉप्टर आने वाले 5 से 7 सालों में हमें अपनी पहली उड़ान भरता नजर आ सकता है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल 2030 से 35 तक यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। इसी बीच जहां एक तरफ भारत और फ्रांस भारत के पहले मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के इंजन को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, वहीं पर दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के साथ अपनी साझेदारी और विश्व के मुश्किल हालातों पर बयान देते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने भारत पर जो बातें कही वह सुनकर रूस और यूक्रेन भी हैरान हैं, जो अगर सच में हुआ तो भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से भी ऊंचा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, फ्रांस राष्ट्रपति ने ये बात खुलकर कही है कि अगर भारत चाहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बड़ी ही आसानी से दुनिया भर के देशों को खतरनाक वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए मोबिलाइज कर सकते हैं, यानी अगर भारत चाहे तो दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट और खाद्य पदार्थों के संकट जैसे मुद्दों को हल करने की क्षमता रखता है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि कैसे अब दुनिया भर के बड़े देश ग्लोबल इनस्टेबिलिटी को काबू करने के लिए भारत की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि फ्रेंच राष्ट्रपति ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर भी बात करते हुए ये बात कही है कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत की अध्यक्षता में G20 विश्व में सकारात्मक बदलाव
बदलाव लाने वाले कुछ महत्वपूर्ण और बड़े फैसले करे, जिससे भारत और फ्रांस के संबंध और भी गहरे हो और दुनिया में चल रही परेशानियों को हल किया जा सके। कुल मिलाकर देखे तो ये देखना काफी अच्छा है कि कैसे दुनिया भर के देश अब भारत को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देख रहे हैं, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है, साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।